यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने क्या किया था बेटा, हेल्पिंग वर्ब। उससे पहले हमने WH फैमिली वर्ड्स किए थे। हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, अपने सेंटेंस टॉपिक स्टार्ट किया था ना, सेंटेंस। उसमें हमने पहला क्या किया था, वर्ड। वर्ड क्या होता है, लेटर्स का ग्रुप जो प्रॉपर मीनिंग दे। उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप जो प्रॉपर ऑर्डर में हो और प्रॉपर मीनिंग देता हो, ठीक है। उसके बाद क्या था, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, श्मोर। क्या थी, श्मोर, SHMOR। श्मोर मीन्स सब्जेक्ट, एस मीन सब्जेक्ट, एच मीन हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये क्या था, सब्जेक्ट का ये क्या है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट, पहले नंबर पे था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला या जिसके बारे में बात की जाए। अब सब्जेक्ट जो काम करेगा और जिसके बारे में बात की जाएगी वो कौन कौन हो सकता है, या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। फिर नाउन के बारे में बात की थी, नाउन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल नाउन। जिन भी चीज़ का नाम है वो क्या है, नाउन है। कौन कौन, प्लेस, पर्सन, थिंग, क्रिएचर, फीलिंग, स्टेटस, ये क्या है, नाउन है। हमने यहाँ तक किया था, आज उसे आगे करेंगे बेटा प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है और प्रोनाउन। नाउन हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, प्रोनाउन। नाउन आपने कल ही सीखा था, नेमिंग वर्ड। जिन भी चीज का नाम है वो है नाउन। प्रो, प्रो मीन एट द प्लेस ऑफ, किसके स्थान पर, जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाएंगे वर्ड्स वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे, ठीक है। द वर्ड्स विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो यूज किए जाएंगे किन के प्लेस पर, नाउन के स्थान पर यूज किए जाएंगे, वो कौन होंगे, कौन से वर्ड होंगे, वो प्रोनाउन होंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है। मोहन रीड्स इन फोर्थ क्लास, मोहन चौथी क्लास में पढ़ता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है। इट इज मोहन्स बैग, ये मोहन का बैग है। आई लव मोहन वेरी मच, मैं मोहन से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा है, अब आप यहाँ पर नोट करेंगे, मोहन, मोहन कितनी बार आया है, 1 2 3 4 फोर टाइम्स आया ना। अजीब सा लग रहा है ना, बार 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 एक ही का नाम आप रिपीट करते जा रहे हैं, है ना। अब इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए है कौन, जिनका नाम हम यूज कर रहे हैं, ये है नाउन। अभी बताया था जिसका भी नाम होगा ये कौन है, पर्सन, तो नाउन। नाउन की रिपीटेशन को रोकेगा प्रोनाउन। अब यहाँ पर रिपीटेशन तो हो रही है ना, अच्छा नहीं लग रहा है ना, बार 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 हम नाम यूज कर रहे हैं उसका, किसका, मोहन का, तो इसकी रिपीटेशन कौन रखेगा, प्रोनाउन। अब देखेंगे, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है। ही रीड्स इन फोर्थ क्लास, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, चौथी कक्षा में। देखो मैंने यहाँ पर ही का यूज किया है, ही क्या है, यहाँ पर इसके स्थान पर यूज किया, मोहन के स्थान पर मैंने ही को रिप्लेस कर दिया। ही कौन है, प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखो, इट इज हिज बैग, ये मोहन का बैग है। देखो मैंने यहाँ पर मोहन नहीं बोला, यह है उसका बैग है, किसका, मोहन का। आगे देखो, आई लव हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, ही किस स्थान, किसके स्थान पर आया है, मोहन के स्थान पर। हिज किसके स्थान पर आया है, मोहन के स्थान पर। और हिम भी मोहन के स्थान पर। तो ये क्या हुए हमारे, ही, हिज, हिम, ये हमारे हैं प्रोनाउन। क्या है बेटा, प्रोनाउन। आगे आप प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल करेंगे ना, तब इनके आप मीनिंग सीख पाएंगे। आगे देखेंगे, नोट आया मैंने, वी यूज प्रोनाउन टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। अभी भी बताई थी ये बात। उसके बाद देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, 9। कितने हैं, 9। फर्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट आर यूज फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड क्रिएचर, एंड
क्रिएटर, जो कहाँ यूज होगा, जो प्रोनाउन यूज होगा पर्सन के स्थान पर, प्लेस, थिंग और क्रिएटर के लिए यूज होगा, वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखो होता है पर्सन। पर्सन कौन हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है ना, लड़का या लड़की, पुरुष या स्त्री। अब मेल, मेल के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही, और फीमेल के लिए शी। आगे देखो होता है थिंग। थिंग कुछ भी हो सकती है, चौक, पेन, पेंसिल, बेंच, ये सभी क्या है, थिंग ही तो है। इनके लिए क्या यूज करेंगे बेटा, इट। क्या यूज करेंगे, इट। प्लेस, प्लेस क्या हो सकता है, सोनीपत, दिल्ली, इंडिया, ये क्या है, प्लेस ही तो है। उसके बाद क्रिएचर, क्रिएचर क्या, क्रिएचर मीन्स प्राणी। ठीक है, काउ, हॉर्स, ये क्या है हमारे क्रिएचर। इन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। ठीक है, क्या यूज करेंगे, इट। अब ये हमारे क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। अगर हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इनका यूज करेंगे, मेल के लिए ही का, फीमेल के लिए शी, थिंग, प्लेस और क्रिएचर के लिए इट, ये सिंगुलर फॉर्म के लिए। बेटा अगर इनका प्लूरल बनाना है हमें, अगर प्लूरल है तो बेटा दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दे का। किसका, दे का। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे कराती हूँ मैं आपको। यस, प्रोनाउन, प्रो, प्रो मीन्स एट द प्लेस ऑफ, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, जहाँ कहाँ यूज होंगे प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर। द वर्ड्स विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन रीड्स इन फोर्थ क्लास, इट इज मोहन बैग, आई लव मोहन वेरी मच। अब इसी का देखो प्रोनाउन यूज करेंगे आगे हम, मोहन इज माई फ्रेंड, He reads in fourth class. It is his bag. I love you very much. आगे ऊपर देखिए, यही नोट क्या है, We use pronoun to stop the repetition of noun. Noun की repetition को रोकने के लिए किसका use करेंगे, pronoun का। There are 9 kinds of pronoun. Pronoun के कितने kinds हैं, 9. पहला है personal pronoun. कौन सा pronoun, personal, जो person, place, thing और creature के लिए use किया जाता है। पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, या तो मेल या फीमेल। मेल के लिए क्या यूज करेंगे, ही, फीमेल के लिए शी, थिंग, प्लेस और क्रिएचर के लिए इट। ये किसकी, किसके लिए यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म के लिए। फिर इनका प्लूरल बनाना हो हमें तो क्या यूज करेंगे, दे। यस बेटा, आगे हमारा काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या है काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यस, देर आर थ्री काइंड्स। कितने काइंड्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के, तीन। कितने हैं, तीन, थ्री काइंड्स। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा, बोलने वाला, जो खुद के बारे में बात करे वो कौन होगा, फर्स्ट पर्सन। वेन द स्पीकर स्पीक समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो खुद के बारे में ही बात करेगा वो कौन होगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होगा, आई। मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, आई। आई मीन्स मैं और मैंने। और फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल क्या होगा, वी। वी मीन्स हम, हमने। देखो मैं बोल रही हूँ कि मैं पिकनिक पे जाऊँगी, तो मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूँगी बेटा, आई। और मैं बोलूँ कि हम पिकनिक पे जाएंगे, देखो हम में मैं भी आती हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग हो गए ना। या मैं दो के बारे में बात करूँ या तीन के बारे में बात करूँ, एक से ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, वी यूज़ करेंगे हम। वी मीन्स हम, हमने, हम, हमने। ऊपर देखेंगे आप सेकेंड पर्सन, यस, फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बात करेगा, सेकंड, सेकंड कौन होगा, व्हेन द स्पीकर स्पीक समथिंग टू लिसनर डायरेक्टली द लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। जब बोलने वाला, जब फर्स्ट पर्सन या कोई बोलने वाला किसी से सीधा बात कर रहा है और जो सुन रहा है वो कौन होगा, सेकंड पर्सन। देखो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन, आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो आप कौन सा पर्सन हुए, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है,
यू, यू मीन्स तुम, तुमने. एग्जाम्पल देखो बेटा, यू मैं बोलूँ यू आर गुड बॉय, एक क्लास में एक बच्चा बैठा, मैंने उसको बोल दिया बैठे तो सभी हैं, या मैं बोल दूँ यू आर गुड स्टूडेंट एक के लिए बोल दिया. अगर मुझे पूरी क्लास के लिए बोलना है आप चुपचाप बैठे, मैं क्या बोलूँगी, यू आर गुड स्टूडेंट्स. अब मैंने यू यूज किया सभी के लिए, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर और प्लूलर दोनों के लिए ही क्या यूज होगा, यू सेकेंड पर्सन. ठीक है, थर्ड है थर्ड पर्सन. व्हेन द स्पीकर स्पीक समथिंग अबाउट एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट फर्स्ट सेकेंड पर्सन, द एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. देखो, व्हेन द स्पीकर स्पीक समथिंग, जब बोलने वाला अबाउट अदर पर्सन फर्स्ट और सेकेंड, जब पहला और दूसरा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी और के बारे में बात करेंगे, तो वो कौन होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा थर्ड पर्सन. देखो, मैं बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, और मैं बता किसके बारे में रही हूँ, प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ ना, तो प्रोनाउन क्या हो गया, थर्ड पर्सन. क्लियर है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. मैं पढ़ा रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप पढ़ रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन, और किसके बारे में सुन रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में सुन रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन. क्लियर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है, ही शी इट, या तो वो कोई मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, या कोई थिंग क्रिएचर प्लेस. ठीक है, और उसी का प्लूरल अगर हमें बताना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, ही शी इट एनी सिमिलर नेम, किसी का भी सिमिलर नेम के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और एनी प्लूरल नंबर के लिए दे. क्लियर है बेटा, फिर से देखो, प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. There are three kinds of personal pronoun. First person, second person और third person. First person कौन है, जो खुद के बारे में बात करे, I. ठीक है, मैं, हम हमारे बारे में बात करो, हम पढ़ रहे हैं, अब हम में कौन, मैं भी तो आती हूँ ना, तो I का plural क्या हुआ, we. I का meaning मैं, मैंने, we का meaning हम, हमने. क्या ये कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन. फिर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे सीधी बात की जाए, जो सीधा सुन रहा है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं डायरेक्ट मेरी बात, तो आप कौन है, सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों ही सेम होते हैं, कौन, यू, यू मीन्स तुम, तुमने. फिर आता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन होता है, व्हेन द स्पीकर स्पीक समथिंग अबाउट एनी अदर पर्सन, जब, जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन किसी तीसरे, किसी अदर पर्सन के बारे में बात करें, वो कौन सा पर्सन होगा बेटा, थर्ड पर्सन. ठीक है, थर्ड पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं, सिंगुलर नंबर ही शी इट, और प्लूरल के लिए दे. ठीक है, क्लियर है बात बेटा, ओके. कल फिर हम केस करेंगे, आपको ये रिवाइज करना है, कहाँ से रिवाइज करना है, फिर से आपका होमवर्क यही रहेगा, WH फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और जितना भी अभी तक ये मैंने कराया है, ये तीनों काइंड. दैट्स ऑल बेटा, गुड बाय.